प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है 11वीं का, उस पर हमने जो है वो काफ़ी काम किया है। तो उसी के तीन चार क्वेश्चन जो बचते हैं लास्ट में, खासकर डिविजिबिलिटी के और ग्रेटर देन लेस देन के, तो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। चार पांच क्वेश्चन हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही ये रिजल्ट जो प्रूव करने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन ही स्टेप हमें करने हैं कि जो स्टेटमेंट दी हुई एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू करके दिखानी है, एन इज इक्वल टू के लिए मान के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव करनी है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है, एक्स रेज टू ए पावर टू एन माइनस वाई रेज टू ए पावर टू एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई वट एवर वैल्यू ऑफ एन मे बी इन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ आप कोई नेचुरल नंबर रखेंगे, एक्स माइनस वाई उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। तो फॉर एन इज इक्वल टू वन वी गेट व्हाट विल बी द स्टेटमेंट, इसको आप चाहें तो नाम भी रख देते हैं पी एन, नहीं तो ऐसे लिख लेते हैं वी गेट। तो एन को वन करेंगे तो टू इंटू वन टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एंड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर कैन बी फैक्टराइज एट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और क्लियरली दिस इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई से ये डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाईज। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है। तो दिस मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मीन्स एक्स रेज टू ए पावर टू के माइनस वाई रेज टू ए पावर टू के इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाईज। इट मीन्स एक्स रेज टू ए पावर टू के माइनस टू वाई रेज टू ए पावर टू के विल बी इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस वाई। यदि ये नंबर x माइनस वाई से डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन है भागफल हमारा मान लिया वो m आ जाएगा, तो दिस नंबर विल बी m इंटू दिस। तो यहां से इसको नंबर वन कह लें, या यहां से हमें जरूरत पड़ेगी हमें फिर इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो x रेज टू ए पावर टू के की वैल्यू निकाल लेते हैं, y रेज टू ए पावर टू के इधर ले आए तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ये गिवन एक तरह से हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू। तो ये सेकंड स्टेप हुआ फॉर एन इज इक्वल टू के। अब थर्ड स्टेप लेंगे फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन वी गेट, के प्लस वन के केस में क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी एक्स रेज टू ए पावर टू इंटू के प्लस वन माइनस वाई रेज टू ए पावर टू इंटू के प्लस वन। तो ये के प्लस वन कर दें दोनों चीज। तो आपको प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई है जी, और ये एक्स माइनस वाई से डिविजिबल कब होगा, जब आप इसका एक फैक्टर निकाल के दिखाएंगे एक्स माइनस वाई इसमें से। वो कैसे निकलेगा देखिए, पहले तो यहां पर जो हमारे पास एक्स की पावर टू के है वाई की पावर टू के है, तो ये जो इतनी पावर फालतू है वो अलग करें, तो एक्स रेज टू ए पावर टू के इंटू एक्स स्केयर, ये x की पावर 2 इंटू वन यानी कि 2 अलग कर दें। सेम वे y रेज टू ए पावर 2 के इंटू वाई स्केयर ये अलग कर दें, और यहां पर अब इसको रिप्लेस कर दें x रेज टू ए पावर 2 के को, तो इसकी जगह हमारा आ जाएगा m इंटू एक्स माइनस वाई प्लस y रेज टू ए पावर 2 के मल्टीप्लाइड विद एक्स स्केयर। ये सिर्फ एक्स रेज टू ए पावर टू के की वैल्यू है, और आगे हमारा हुआ जी माइनस वाई टू के इंटू वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करें अंदर, तो एम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई रेज टू ए पावर टू के इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई रेज टू ए पावर टू के इंटू वाई स्केयर। अब ये पीछे वाले में से कॉमन लेके m इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर
वाई रेज टू ए पावर 2k कॉमन ले लें, अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इसके फर्दर आप फैक्टर कर सकते हैं। तो m इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर वाई रेज टू ए पावर 2k एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये दो नंबर हैं, एक नंबर ये, एक नंबर ये, तो इन दोनों में से x माइनस वाई हम कॉमन लेके, बाकी अंदर रह जाएगा इधर एम एक्स स्क्वेयर और यहाँ y रेज टू पावर 2k इंटू एक्स प्लस वाई। खैर अंदर कितना बचा वो मायने नहीं रखता, क्या इंपॉर्टेंट है कि x माइनस वाई इज ए फैक्टर ऑफ दिस, और दिस मीन्स डिविजिबल बाई x माइनस वाई। तो हमने प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू k प्लस वन में ये जो नंबर बनेगा, इफ दिस इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई देन दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाई x माइनस वाई, एंड हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, एंड बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई x माइनस वाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ n बीइंग ए नेचुरल नंबर, यानी कि दो रखें, चार रखें, दस रखें, सौ रखें, जब जो भी आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाई 11 एंड दैट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 8, वो 8 के पाड़े में आएगा, यानी 8 से डिविजिबल आएगा। तो फर्स्ट स्टेप, यदि हम n को 1 करें तो व्हाट द नंबर, व्हाट नंबर विल वी गेट इफ n इज इक्वल टू 1, 3 रेज टू ए पावर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 रेज टू पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, 3 रेज टू ए पावर 4 मीन्स 81 माइनस 8 माइनस 9 एंड इट विल बी 64 एंड 64 इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, 64, तो 8 से भाग होता है। तो इट का मतलब क्या हुआ कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप लेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड इट मीन्स n इज इक्वल टू k, तो यहां k कर दें, 3 रेज टू ए पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। यदि 8 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 3 रेज टू ए पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 कैन बी रिटन एज 8m, क्योंकि 8 से डिविजिबल है तो 8 इंटू एम। इसमें भी ये दोनों नंबर उधर लिख लें, आगे जब हम रिप्लेस करेंगे उसके लिए 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 8m प्लस 8k प्लस 9, तो इसको नंबर वन दे दें। और अब हम करेंगे, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी गेट द नंबर, n को k प्लस 1 कर दें तो 3 रेज टू ए पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9 एंड इट इज इक्वल टू 3 रेज टू ए पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9, 8 से हमने मल्टीप्लाई इसको कर दिया। अब इसमें क्या करें, इसमें इतना कोशेंट रखें कि हम इसको रिप्लेस किया था एक्सपोनेंट पावर जो है इसकी कितनी रखें, ये अलग से रखें, बाकी जो बचे वो अलग कर दें, तो क्या होगा 3 रेज टू ए पावर 2k प्लस 2 अलग और 3 स्केयर अलग कर देते हैं जी माइनस 8k और इसको इकट्ठा लिख लेते हैं 17, और अब इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 से एंड वी गेट 8m प्लस 8k प्लस 9 एंड 3 स्केयर विल बी 9 माइनस 8k माइनस 17, इट इज इक्वल टू 9 इंटू 8
72m, 9 into 8, 72k, 9 into 9, 81, minus 8k, minus 17. It is equal to 72m, k will be 64, constant will be 64, 81 and 17 minus, and we can take 8 common, 9m, 8k plus 8. तो ये जो हमारा नंबर बना था फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन यूजिंग दिस अजम्पशन इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू सम नेचुरल नंबर. अब क्योंकि 8 इसका फैक्टर है सो इट इज डिविजिबल बाई 8 एंड हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन and by PMI this statement which be true for all natural numbers. तो ये प्रूव हो जाता है कि this number will always be a multiple of 8 की 8 के पाड़े में ही आएगा. ये 22वां क्वेश्चन था. 23वां क्वेश्चन देखते हैं. 23rd वो तो बिल्कुल ही इजी है. नंबर है 41 raised to a power n minus 27 raised to a power n. 41 raised to a power n minus 27 raised to a power n is always divisible by 27. ये 14 है. 14 raised to a power n. फोर इज डिविजिबल बाय 27. ये नंबर n जो है वो नेचुरल नंबर है. एक हो दो हो तीन हो चार हो कोई भी रख सकते हो. फिर उस नंबर को कैलकुलेट करेंगे जो नंबर हमारे पास आएगा वो 27 से भाग होने वाला ही आएगा. प्रूव कीजिए. तो फर्स्ट स्टेप करेंगे कि इफ n इज इक्वल टू 1 देन वी गेट द नंबर 41 raised to a power n, 14 raised to a power 1, 41 minus 14 that is 27 and 27 is clearly divisible by 27. तो ये तो 27 से divisible है. तो इसका मतलब given statement is true for n is equal to 1. Second step लेंगे. Let given statement is true for n is equal to k. This means we have assumed that 41k minus 14k is divisible by 27. Or it means 41 raised to a power k minus 14k can be written as 27m. Where m is any natural number. तो 14k उधर लिख लें ताकि बाद में रिप्लेस करने में हमें हेल्प मिले. तो 27m plus 14 raised to a power k let it is equal to 1. Now third step. For n is equal to k plus 1 we get the number 41 raised to a power k plus 1 minus 14 raised to a power k plus 1 और हमें इसमें से 27 कॉमन लेके दिखाना है क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई 27 है. तो 41 raised to a power k plus 1 है लेकिन यहाँ 41 raised to a power k है तो इसको अलग अलग कर दें. 41 raised to a power k अलग कर दें और 41 के पावर 1 अलग कर दें जी. यहाँ भी 14 raised to a power के अलग कर दें और 14 रेज टू ए पावर 1 अलग से लिख दें तो देखें कितना आएगा. अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इस चीज यूजिंग 1. तो ये आ जाएगा आपका 27m प्लस 14 और बाहर हो जाएगा आपका 41 माइनस 14 रेज टू ए पावर k इंटू 14 यूजिंग ये k है यूजिंग 1 जी.
जो एक हमने अज्यूम किया था 41 रेज टू पावर के, इसके इक्वल, तो 41 रेज टू पावर के की जगह ये आ गया आपका, और बाहर इसके साथ इनटू में 41 था और ये एज इट इज। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 27, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 27 इंटू 41 एम प्रोडक्ट करना है, प्लस 41 इंटू 14 के माइनस 14 इंटू 14 के, 14 इंटू 14 के, तो ये नंबर एज इट इज लिखेंगे 27 41 एम। इधर से 14 के कॉमन लेंगे दोनों में से, तो ये 41 माइनस 14 बचेगा, दैट इज 27, तो नंबर आया हमारा 27 41 एम 14 के इंटू 27। तो ये दो ही नंबर हैं, एक नंबर ये, एक नंबर ये, और 27 इनमें कॉमन है दोनों में, तो ये आ जाएगा आपका 41 एम और ये हो जाएगा 14 के, और ये कैसा नंबर आया, विच इज डिविजिबल बाई 27, क्लियरली 27 से डिवाइड करोगे, 27 कैंसल्स विद 27 और ये उत्तर आ जाएगा। तो लास्ट में वही दो लाइनें लिख देंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के प्लस वन एंड हेंस बाय पीएमआई इट इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर या ऑल नेचुरल नंबर। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 24th, वो जो है वो लेस देन का है कि प्रूव कीजिए 2n प्लस 7 विल ऑलवेज बी लेस देन n प्लस 3 स्केयर। n सेम रखना है, तो इधर कोई भी नेचुरल नंबर रखना है तो ये नंबर हमेशा कम आएगा या ज्यादा आएगा, ऑलवेज के इज दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स ऑलवेज ट्रू, प्रूव कीजिए। तो हम शुरू करते हैं पीएमआई से, प्रूव करेंगे क्या n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करती है ये, n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी आएगी, तो ये आएगी 2 इंटू 1 प्लस 7 दैट इज 9, और राइट हैंड साइड क्या आएगी, तो ये आएगी 1 प्लस 3 स्केयर, 4 स्केयर मीन्स 16, एंड क्लियरली 9 इज लेस देन 16, 9 इज लेस देन 16, दिस मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो अब हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा, सेकेंड लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दिस मीन्स वी हैव अज्यूम्ड 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 स्केयर, k प्लस 3 स्केयर। तो यहां भी हम जैसे इक्वल इनइक्वलिटी का पहले भी किया था एक पिछले वीडियो में क्वेश्चन, तो इनइक्वलिटी की बजाय इसको इक्वालिटी कर लें, वो कैसे कर सकते हैं, हम इसको इक्वल कर लें और इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें जितना ये फालतू है, ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है मान लिया कि लैम्डा बड़ा है, तो इसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो दोनों इक्वल हो जाएंगे 1 कर दें। अब आ जाता है थर्ड स्टेप, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी गेट, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये तो राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7, और हमें क्या प्रूव करना है कि इट विल बी लेस देन, यहां k प्लस 1 होने का मतलब ये k प्लस 4 स्केयर होना चाहिए, इसको k प्लस 4 स्केयर से लेस प्रूव करना है, करते हैं और पहले ये यूज करेंगे ये वाला जी, तो 2k प्लस 7 इसमें अलग कर लें, तो 2k प्लस 2 प्लस 7 दो से मल्टीप्लाई कर दिया जी, अब 7 को आगे कर लें 2k प्लस 7 प्लस 2, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, इट विल बी k प्लस 3 स्केयर माइनस लैम्डा प्लस 2, k प्लस 3 स्केयर को खोल लें, k स्केयर प्लस 9 प्लस 6k माइनस लैम्डा प्लस 2, तो ये हो गया हमारा k स्केयर
प्लस 6k और ये हो जाएगा 11 माइनस लैम्डा, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए के प्लस फोर स्केयर। के प्लस फोर स्केयर मीन्स के स्केयर 16, 8k ये चाहिए जी। हमें 8k चाहिए लेकिन है नहीं, तो क्या करें 8k कर लेते हैं, 2k सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 11 है और हमें 16 चाहिए तो हम इसको 16 कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 2k ऐड किया था तो 2k यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ 5 और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं। 8k माइनस 2k 6k, 16 माइनस 5 11 और लैम्डा तो लिखा ही हुआ है। अब यहां पर आने के बाद सिंबल यूज करें कि दिस नंबर विल बी लेस देन, ये नंबर ऊपर वाला नंबर इससे लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि ऊपर वाले नंबर में से तो अभी लैम्डा भी घटा है, अब इस नंबर में से लैम्डा घटेगा, 2k भी घटेगा, 5 भी घटेगा, तो नेचुरली ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा रह जाएगा इससे, तो यहां ये ध्यान देंगे कि यहां सिंबल आ जाएगा आपका ये लेस देन। और ये क्या है, यहां दोबारा लेस देन नहीं आएगा, वो तो आ चुका है, ये किसके इक्वल है, के प्लस फोर स्केयर, और के प्लस फोर स्केयर मीन्स के प्लस वन प्लस थ्री का स्केयर भी कह सकते हैं, तो ये के प्लस वन हमारा इन प्लेस ऑफ एन जो है वो आ जाता। तो क्या हुआ, हम चले थे 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 से, करते करते बीच में लेस देन भी आ गया कि दिस नंबर विल बी लेस देन दिस नंबर। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 एंड बाय PMI गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की, ये हमारी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो अपने काम का मिला होगा। धन्यवाद।